देश की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का पहला दिन आज से शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 10 बजे भाजपा सांसद भर्तृहरि मतदाब को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाएंगे। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम शुरू करेंगे। इसके साथ ही सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। लेकिन लोकसभा के पहला सत्र में काफी हंगामा होने की आसार हैं। नीट और नेट पेपर लीक मामला हो या लोकसभा स्पीकर का, विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सतेंद्र शर्मा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद के तौर पर सबसे पहले शपथ लेंगे। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। इन पैनल के सदस्य प्रोटेम स्पीकर की अनुपस्थिति में सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। अभी पैनल में 5 सदस्यों को रखा गया है। पैनल में कांग्रेस के सुरेश, बीजेपी के राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्ते, डीएमके के टीआर बालू और टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय शामिल है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि उनके सांसद पैनल का हिस्सा नहीं होंगे और इसलिए वो सदस्यों का शपथ नहीं दिलाएंगे। वो के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पैनल के सदस्यों के शपथ के बाद कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू होगा। इसमें सबसे पहले राजनाथ सिंह शपथ लेंगे, उसके बाद क्रमवार अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और अन्य कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्री और फिर राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रियों के शपथ के बाद वर्णमाला क्रम से राज्यों के सांसद शपथ लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार के सांसद विष्णुपद रे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और इसी तरह वर्णमाला क्रम में अन्य राज्यों के सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस सत्र के पहले 3 दिन में नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। साथ ही 5 साल के लिए नई सरकार के कामकाज की रूपरेखा तय की जाएगी। समझा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आक्रामक विपक्ष द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश की जा सकती है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। उधर 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोकसभा सदस्य आज सुबह संसद परिसर में एकत्र होंगे और एक साथ सदन की ओर मार्च करेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी दी बीजेपी गठबंधन से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सांसद पुराने संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास एकत्र होंगे, जहां कभी गांधी प्रतिमा हुआ करती थी। संसद परिसर में सांसदों के लिए लोकप्रिय विरोध स्थल रही गांधी प्रतिमा को हाल ही में परिसर में मौजूद 14 अन्य मूर्तियों के साथ स्थानांतरित कर दिया गया है। इन सभी को एक ही स्थान प्रेरणा स्थल पर स्थापित किया गया है। नेता ने कहा कि कुछ सांसद भारत के संविधान की प्रतियां लेकर चलेंगे और वे सभी संसद भवन तक पैदल जाएंगे। साथ ही सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए इंडिया गठबंधन के साथ स्पीकर की कुर्सी के पास नहीं बैठेंगे। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की पार्टियां इस बात से नाराज हैं कि परंपरा को तोड़कर 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश की जगह 7 बार के बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वहीं पहला सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव, नेट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक के आरोपों पर चर्चा करने की मांग करेगा। साथ ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर विवाद के मुद्दे पर भी विपक्ष एनडीए सरकार को संसद में घेर सकता है। वहीं पहले सत्र में सरकार कुछ बिल भी पेश कर सकती है, जिसमें डिजिटल इंडिया बिल शामिल है। वहीं इस सत्र में बजट भी पेश होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीद है। आपको बजट से लेकर के क्या उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।